व्यूअर्स, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं ईद स्पेशल ईरानी प्लेटर। तो सबसे पहले हम लोग सीख कबाब बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो भैया बता रहे हैं। ये हमने हाफ चिकन का बेस पीस लिए हैं, एक धनिया की गड्डी चाहिए हमें, सॉल अजबजा चाहिए, 5 हमें ग्रीन चिली चाहिए, ब्लैक पेपर हमें 1 पिंच चाहिए, 1 टेबल स्पून हमें गार्लिक पाउडर चाहिए, 1 टेबल स्पून हमें धनिया पाउडर चाहिए, 1 टी स्पून हमें चिली फ्लेक्स चाहिए। सबसे पहले हमने एक फूड प्रोसेसर ले लिया, उसमें हम लोग चिकन का हाफ बेस पीस डाल देंगे और ये कुछ मसाले हैं ये भी डाल देंगे हम लोग इसमें। इसको हम लोग अच्छी तरीके से पीस लेंगे। हमने कीमे को पीस लिया था, अब हम लोग इसमें धनिया और मिर्चों को हमने फाइन चॉप कर लिया था, अब ये हम लोग ऐड कर देंगे इसके अंदर और हर चीज़ को अच्छी तरीके से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। 1 घंटे के हम लोग उसको फ्रिज में रख देंगे। अब हम आना जा रहे हैं स्टू बोटी और उसके इंग्रीडियंट्स ये हैं। ये हमने 5 चिकन पीसेस लेने हैं, 1 टेबल स्पून हमें योगर्ट चाहिए इसमें, 100 हमें हस्बेजा का चाहिए, 1 टीस्पून हमें गरम मसाला चाहिए, 1 टेबल स्पून हमें गार्लिक पाउडर चाहिए, 1 टीस्पून हमें चिली फ्लेक्स चाहिए, 1 टीस्पून हमें धनिया पाउडर चाहिए, 1 पिंच हमें सौंफ चाहिए, 1 टीस्पून हमें साबित जीरा का पाउडर चाहिए, 1 पिंच हमें जिंजर पाउडर चाहिए, 1 टीस्पून हमें चाट मसाला। सबसे पहले हम लोग 1 टेबल स्पून योगर्ट का ऐड कर देंगे इसमें, सौंफ हमें 1 पिंच चाहिए। अब हम लोग सारे मसाले ऐड कर देंगे इसमें, हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। अब 1 पिंच हमें जर्दा कलर चाहिए, अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें बस हल्का सा ऑरेंज कलर आ जाना चाहिए, इस तरीके से कलर आ जाएगा आपका। 1 घंटे की हम लोग उसको मैरिनेट होने के रख देंगे इसी तरीके से। अब हम लोग अस्फानी बोटी बनाने जा रहे हैं, उसके इंग्रीडियंट्स ये हैं। ये हमने 1 टेबल स्पून गार्लिक लेना है, 2 टेबल स्पून चिली पाउडर चाहिए, 1 टेबल स्पून हमें बटर चाहिए, हमें 1 पिंच रेड फ्रूट कलर चाहिए, 4 से 5 हमें चिकन के पीसेस चाहिए। सबसे पहले हम लोग उसमें बटर डाल लेंगे और गार्लिक, इन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम लोग उसमें मसाला डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब 1 पिंच हम लोग रेड फ्रूट कलर डालेंगे इसमें और अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे इसको। हमने अच्छी तरीके से मसाला लगा लिया है, अब हम लोग इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेशन होने के लिए रख देंगे इसी तरीके से। अब हमारे जो मलाई बोटी के इंग्रेडिएंट्स हैं, 1 पैकेट हमें क्रीम का चाहिए, 1 व्हाइट पेपर चाहिए हमें, 4 हमें ग्रीन चिलीज चाहिए, 5 हमें गार्लिक के क्लोव चाहिए। हमने हाफ चिकन का बेस पीस लिया था, हमने उसको क्यूब्स में काट लिया है। ये हमने गार्लिक और ग्रीन चिली को साथ में फाइन चॉप कर लिया है अच्छी तरीके से, ये डाल देंगे हम लोग। अब हम लोग क्रीम का पैकेट डाल देंगे इसमें। अब हम लोग 1 पिंच वाइट पेपर डाल देंगे इसमें। अब हम लोग अच्छे तरीके से सब कुछ चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। 1 घंटे के हम लोग उसको मैरिनेट होने के रख देंगे। हमने एक कढ़ाई ले ली, उसमें हमने कोयले डाल लिए हैं और उसको अच्छे तरीके से हमने गर्म कर लिया है। सीखों में हम लोग ने अच्छी तरीके से सारी बोटियाँ लगा ली हैं। अब हम इसको तब तक पकाएंगे कवर करके जब तक ये अच्छी तरीके से कुक ना हो जाए। ईरानी राइस बनाने जा रहे हैं, सबसे पहले उसकी हमने पतीले ले लिए, उसमें हम लोग ऑयल डाल देंगे। और इसको अच्छी तरीके से धीमी आंच पे सौते कर लेंगे। अब 1 से 1.5 लीटर हम लोग पानी डाल देंगे इसमें। अब एक मरमल का कपड़ा ले लेंगे, उसमें सारे मसाले डाल देंगे। बेलीफ है, हमने 5 से 6 बेलीफ लिए। ये काला जीरा हमने 1 टेबल स्पून लिया है, सफेद जीरा हमने 1 टेबल स्पून लिया है, 6 बड़ी इलायची लेनी है, 1 टेबल स्पून हमें साबित काली मिर्च लेनी है, 10 से 12 हमें छोटी इलायची चाहिए, हमें 1 टेबल स्पून साबित धनिया चाहिए, 1 टेबल स्पून हमें सौंफ चाहिए। अब हम लोग 1 पोटली में सब कुछ को डाल देंगे। इसको अच्छी तरीके से बांध के 1 पोटली तैयार कर लेंगे, अच्छी तरीके से बांध देंगे ताकि जब हम इसको लहसुन अदरक के पेस्ट में डिप करें तो ये फुल ना जाए। अब हम ये पोटली इसमें डिप कर चुके हैं, अब हम लोग ने इसको कवर कर दिया है। अब हम लोग इसको 15 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकाएंगे। हम लोग पोटली को निकाल लेंगे, एक पतीली में निकाला, आप किसी भी चीज़ में निकाल सकते हैं इसको। और इसके बाद इसमें आप ठंडा पानी डाल करके अच्छे तरीके से अब हाथों की मदद से इस तरह से दबाएंगे हम, ये सारा गर्म मसाले का फ्लेवर इसमें हमारा आ जाए। हाथों में ये ऐड कर देंगे। अब हमने ये 12 ग्रीन चिलीज लिए, ये डाल देंगे इसमें हम लोग, 100 इसमें हस्पे जाएगा। अब हम लोग ज़ाफ़रान डाल देंगे।
अब इसको कवर करके एक दो मिनट इसको बर्न के रख देंगे, साइड को कोयले की तरफ कर देंगे ताकि दूसरी साइड अच्छी तरीके से ब्राउन होना शुरू हो जाए। और साथ ही साथ थोड़ा सा ऊपर से घी डाल सकते हैं आप। इसको हमने कवर कर दिया, अब हम लोग बात राइस की तरफ चलते हैं। हमने एक केजी राइस लिया है, अब हमें ये डाल देंगे इसके अंदर। अब हम इसको बर्न होने के रख देंगे तेज आंच पर। हमारी दोनों बोटी बन गई थी, अब हम लोग सेकवा पका रहे हैं। तब इसको पकाएंगे तब तक इसका ब्राउन कलर ना आ जाए और हम इसको अब कवर कर देंगे। इस तरीके से हमने मलाई बोटी लगा दी है, अब धीमी आंच पर हम इसको पकाएंगे। तो ये हो गया भाई हम लोग की रेसिपी तैयार। तो हमारी इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो उसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, दोनों को जाके फॉलो कर लें। और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियोज़ की आप लोग तक अपडेट आ सकें। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।